हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोहित क्रिएशन। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा सोल्डरिंग के थोड़े से टिप्स, ठीक है। उन टिप्स को अगर आप आजमाते हो तो आप उसमें आप सोल्डरिंग अच्छी तरह से कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो और सीख भी सकते हो। तो सोल्डरिंग करने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, जैसे आप मेरे सामने ये पीसीबी रखी हुई है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको बताऊं, अगर आपको कोई कंपोनेंट सोल्ड करना है या कोई ड्राई सोल्डरिंग निकालनी है, कोई कमज़ोर सोल्डरिंग है, तो आपको आयरन रखने का तरीका बता देता हूँ आपको आयरन रखना किस तरह से। अब जैसे हमें इस जगह में सोल्डरिंग करनी है तो हमें आपने आयरन को इस तरह से ले जाना होगा तिरछा, और इस तरह से हल्का सा सोल्डर लगाना, हल्का सा पेस्ट मतलब आयरन लगाना। आयरन हमें इस तरह से लगाना है कि हमारा पीसीबी और वो पॉइंट जहाँ पे हमें सोल्ड करना है वो दोनों गर्म हो जाएं, तब हम सोल्डर इस पर लगाएंगे और ये सोल्ड हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें आयरन को ज़्यादा देर उस जगह लगाकर नहीं रखना है। जितनी ज़्यादा देर हम आयरन को लगाकर रखेंगे हमारी सोल्डिंग ख़राब हो जाएगी। आप देख सकते हैं ना, ये देखिए ये ख़राब हो गई। अब हम इसे सही करने के लिए आप जितनी ज़्यादा देर आयरन लगाते हो आपका सोल्डर ख़राब हो जाता है। इसके अंदर जो फ्लक्स होता है ना वो उड़ जाता है, इसके अंदर एक फ्लक्स होता है सोल्डर के अंदर, हर सोल्डर में, तो वो उड़ जाता है जितनी देर हम आयरन को लगाते हैं। तो उतनी देर कुछ लोग होते हैं कोई कंपोनेंट उन्हें सोल्ड करना है वो नहीं लगता, तो इस तरह से लगाते रहते हैं, तो इस तरह से जो होता है आपका सोल्डर ख़राब हो जाता है। अब इस सोल्डर को सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, अब हम या तो पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इस पेस्ट को लिया, इसके अंदर हमने आयरन लगाया इस तरह से और तुरंत हमने इस पर रख दिया। ये देखिए ये हमारा सोल्डर सही हो गया, ठीक है। और अगर ये भी नहीं तरीका आजमाना है तो जैसे हमने अब इधर का सोल्डर ले लेते हैं, हमें ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, हम इसको ख़राब कर देते हैं। ये हो गया हमारा ख़राब, तो हम इसे सही करना, हम इस तरह से सोल्डर वायर लेंगे और इस जगह हल्का सा लगा देंगे, सही हो गया। हमें इस जगह सोल्डर को लगाया और ये हमारा सही हो गया पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर जो पेस्ट था, जो फ्लक्स था जो सोल्डिंग को सही करता है, जो सोल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है, वो ख़त्म हो गया था। हमारा जितनी देर हम आयरन को लगाते हैं तब वो धुआं बन के सोल्डर के अंदर जो फ्लक्स होता है वो उड़ जाता है। अब इसके अंदर देखिए, अब ये जो धुआं जो निकलेगा ना सोल्डर में से, ये फ्लक्स की वजह से निकलेगा। इसके अंदर जो फ्लक्स है वो जल रहा है और उसकी वजह से ही हमारी सोल्डिंग में फिनिशिंग आती है, ठीक है। जितनी देर हम अपने पॉइंट पे आयरन को लगा कर रखते हैं तो उतनी देर में हमारा सोल्डर बेकार हो जाता है। उसको सही करने के लिए हमें या तो दोबारा पेस्ट का यूज़ करना होता है या दोबारा हमें सोल्डर का यूज़ करना होता है। इस तरह से हम सोल्डर का यूज़ करेंगे तो हमारी दोबारा से सोल्डिंग सही हो जाएगी। दूसरा तरीका आता है, हमें कोई तार लगाना हो या कोई कंपोनेंट हो। अब जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो दो तरीके से तार लगे हुए, एक तो ये ऊपर से लगा हुआ है, ऊपर से तार लगे हुए, ठीक है, ये ऊपर के तार हैं, ये अंदर से लगे हुए। अब इन दोनों में मजबूती किसे कहेंगे, मजबूती वाले कहेंगे या इन्हें वालों को कहेंगे, आप भी समझदार हो। जो अंदर से तार हम लगाते हैं, जो कोई सा भी कंपोनेंट हम अंदर से लगाते हैं, इस तरह से हम पीसीबी के अंदर से हमने इसे सोल्ड करा, तो ये ना तो ज़्यादा हिलेगा ना डुलेगा और ये ज़्यादा मजबूत होगा। हमने ये ऊपर से लगाया, ये हिलेगा डुलेगा ज़्यादा और ये कमज़ोर होता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश जो करें, हम कोई भी कंपोनेंट हो उसे अंदर से लगाने की कोशिश करें, ऊपर से कोई भी कंपोनेंट ना हम जॉइंट करें। वो मतलब उससे क्या होता है, अब हम कोई काम कर रहे हैं तो वो इधर उधर उसकी लैग, हमने इस तरह से हम कोई कंपोनेंट ऊपर से लगाते हैं तो उसकी ये जो लैग है, जो फालतू की लैग है, या छोटी भी कर दोगे तो भी इधर उधर दूसरी पीसीबी से, दूसरे कंपोनेंट से टच होने का उसका डर रहता है। तो हम कोई सा भी कंपोनेंट ऊपर से ना सोल्ड करें, उसे हम अंदर से ही लगाएं। अगर ऊपर से लगा रहे तो आप सहूलियत बरतें, सही से लगाएं, कोई इधर उधर तो तार टच ना हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमें ये कोई तार लगाना है, इसके अंदर हमने पहले पेस्ट में लगा रखा, कोई भी आप कंपोनेंट तार वगैरह या कोई अगर से कंपोनेंट अलग से कंपोनेंट लगाते हो तो उसे पेस्ट में एक बार जरूर लगा ले। अगर आप पेस्ट में लगा लेते हो तो आपको अलग से कोई सोल्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको सोल्ड करना है वहीं जितना भी सोल्डर होगा उससे ही आपका काम हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ इसे लगा रहा हूँ तो अब मुझे अलग से सोल्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको इस तरह से ही सोल्ड कर दूँगा। ये देखिए ये सोल्ड हो गया और अच्छी तरह से मजबूती से हुआ, ये
तार टूट जाएगा मगर सोल्डर नहीं हटेगा। अब मैं इसको यहाँ सोल्डर कर देता हूँ। अगर वहाँ पे आपको जहाँ आप सोल्डर करने हैं वहाँ सोल्डर कम है तो आप अलग से सोल्डर ले सकते हैं। जैसे यहाँ मुझे सोल्डर कम लग रहा है, कहाँ है यहाँ सोल्डर कम था इसलिए छेद हो गया। अब इसको छेद को भरने के लिए हम यहाँ सोल्डर लगा सकते हैं। और ये देखिए जहाँ पे सोल्डर भरपूर हो आप वहाँ पेस्ट लगाओ ओनली और आयरन टच कर दो, ठीक है, आपकी सोल्डरिंग बढ़िया हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आपने सोल्डरिंग देखी है ये तार तो टूट जाएगा यहाँ इधर उधर से मगर ये सोल्डिंग का तार नहीं टूटेगा। अब दूसरा हम अंदर से लगाते हैं। अब ये वाला तार है इसको लिया हम, इसको अंदर से सोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने ये लगा दिया। अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा सोल्डर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सोल्डर नहीं है। हमने अपने आयरन पर सोल्डर ले लिया है, अब हम इसको सोल्ड करते हैं। बस आपको क्या करना है, हमें सोल्डर इस तरह से लगाना है कि वो पीसीबी और जहाँ हम लगा रहे हैं वो दोनों जगह टच हो जाए और दोनों जगह से पकड़ ले। ये देखिए पकड़ लिया, यहाँ भी पकड़ लिया। अब ये देखिए ये दोनों सोल्डिंग मजबूत हुई हैं, ये सोल्डिंग ख़राब नहीं होगी, तार टूट जाएंगे। इन्हें आप खींचोगे तो तार टूट जाएंगे सोल्डिंग में से, अगर एक भी वायर निकल गया तो मेरी गारंटी है एक भी नहीं निकलेगा अगर आप फ्लक्स के साथ मतलब पेस्ट के साथ सोल्डिंग करते हैं तो। अब बिना पेस्ट के सोल्डिंग करते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं उसके अंदर दिक्कत रह जाती है, कहीं ना कहीं कमज़ोरी रह जाती है, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट है, अब मैं कोई कंपोनेंट लगाऊं, जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें कुछ कंपोनेंट लगाने तो वो इस तरह से लगाते हैं जैसे आप देख रहे हैं। देखिए आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे मैंने इसके अंदर लैग मोड रखी है, मैंने इसके अंदर डायोड लगा दिया है, वैसे ही वैसे उल्टा लगाया मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए, गलत लगा हुआ कोई बात नहीं मगर गलत जगह लगा हुआ सॉरी। मगर इसके अंदर जो सोल्डिंग आप देखिए कि मैंने सोल्डिंग करने के लिए लैग मोड़ दी। बहुत लोग होते हैं कोई कंपोनेंट उन्हें लगाना है तो उनकी लैग को इस तरह से दबा दबा कर मोड़ देते हैं, तो आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको सोल्डिंग जो करनी है इस तरह से करनी है, कोई आपको कंपोनेंट लगाना उसको लगाया और उसकी लैग सीधी करी और आपको उसकी सोल्ड करनी है, मतलब सीधी लैग पर ही आपको सोल्ड करना है, आपको लैग को घुमाना नहीं है मोड़ना नहीं है। इस तरह से अगर आप सोल्डिंग करते हैं तो आपकी सोल्डिंग बहुत अच्छी होती है, सफाई आती है सोल्डिंग में। अगर आप किसी कंपनी वगैरह में भी अप्लाई करने जाते हो तो इसी चीज़ को नोटिस करते हैं कि बेस्ट सोल्डिंग किसको बोलते हैं। अगर आप तार मोड़ी हुई को दिखाओगे या सोल्डिंग करके दिखाओगे, इस तरह की सोल्डिंग करके दिखाओगे आप 100% आप कंपनी में सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि अगर सोल्डिंग के लिए बंदा चाहते हैं तो उन्हें सोल्डिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो उन्हें ड्राई सोल्डिंग और बेस्ट सोल्डिंग क्या होती है उन्हें बताना पड़ता है। जैसे इसके अंदर आप देख पा रहे हो ये ड्राई सोल्डिंग है, ये वाला कैपेसिटर जो हिल रहा है इसको बोलते हैं ड्राई सोल्डिंग। अब इसको हम बेस्ट सोल्डिंग करेंगे, जैसे ये कंपोनेंट हिल रहा है ना, ये देखिए ये हिल रहा है, अब इसको हम सही करते हैं। किस तरह से सही करेंगे, हमें लेना है सोल्डर के साथ आयरन। अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे और इसको हम बेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमारी ये सोल्डिंग सही हो गई और अब ये ना तो कंपोनेंट हिल रहा। तो ड्राई सोल्डिंग किसे बोलते हैं, जो सोल्डर कमज़ोर हो, कहीं पे कम लगा हुआ हो या कहीं पे बबल्स हो, कहीं पे कोई कंपोनेंट हिल रहा हो तो उसको बोलते हैं ड्राई सोल्डरिंग, ठीक है। अब ये सही हो गई, अब ये बेस्ट सोल्डरिंग है। तो कहीं भी आप अगर सोल्डिंग करते हैं तो हमेशा लैग जो इनकी कंपोनेंट की जो लैग होती हैं इनको सीधा करके लगाएं, और कोई भी कंपोनेंट अगर आप लगाने हैं तो उसे ऊपर से ना लगाएं, सीधा अंदर से लगाएं। अंदर से कोई भी कंपोनेंट आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैंने ये तार लगाए हैं, तार के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि अगर आप कोई तार लगाते हो तारों को आपने देख लिया कि जैसे तार है ये, अंदर से आपको कोई भी तार लगाना तो आप अंदर से लगाओगे, अंदर से तार लगाने से आपकी तारों में मजबूती आ जाती है और अच्छे भी लगते हैं अगर आप किसी को दिखाते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे इस तरह की सोल्डिंग होती है, इस तरह की सोल्डिंग आप कभी ना करें। इस तरह की सोल्डिंग में आपकी कंपोनेंट अगर आप बाई चांस इसे निकालते भी हो ना, अगर आपको कोई दिक्कत हुई या निकालना पड़ा तो आपको निकालने में ही आपके ट्रैक व्रैक सब टूट जाएंगे। इसको आप अगर निकालना चाहोगे, अगर ये सीधा है हमारा कंपोनेंट कोई सीधा लगा हुआ
ऐसे हम दोनों तरफ आयरन लगाएंगे और ये खींच लेंगे, भार को आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आपके ट्रैक टूटेंगे। मगर इस तरह के कंपोनेंट अगर आप लगाते हो, तो अगर आप इन्हें बाई चांस निकालने का कोशिश करते हो, निकालने की कोशिश करते हो, तो आपके ट्रैक व्रैक टूटने की आशंका रहती है, आपके ट्रैक टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो मैं ही यही चाहूँगा कि आप जब भी सोल्डिंग करो, इस तरह से लैग ना मोड़ो, सीधी लैग, ये जितने भी आप कंपोनेंट देख रहे हैं ना इसके अंदर जितने भी लगे हुए हैं, ये सब लगे हुए तो मशीन के थ्रू हैं, मतलब मशीन के सोल्डिंग है, मगर लगे हुए सीधे हैं, इनकी कोई भी लैग मोड़ी नहीं गई है। अगर आप कोई भी कंपोनेंट निकालते हो तो बहुत ईजिली आप कंपोनेंट इसका निकाल सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी अपनी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, बाय बाय।